ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाप दादा के 11 अगस्त 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिलेगा। आज रक्षाबंधन है, आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी मुबारक है। तो रक्षाबंधन का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए बाबा कहते हैं कि ये पवित्रता की जब राखी बांधेंगे तो सतयुगी राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब बुद्धि गोल्डन एजर बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है, बच्चे और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो, ज्ञान की चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो, पावन रहना है, रहना ही है, रहना ही है, यह प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, यह तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग भी मनाते गाते आए हम। अब यह है ज्ञान मार्ग। बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो, मेहनत ही इस 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें भी बड़ा विकार है काम विकार, बड़ा शत्रु है वो। पवित्रता के कारण ही मारा मारी हंगामा आदि होता। ऊंच दे ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना देते। ये तो बच्चे जानते हैं, बेहद बाप का वर्षा पानी हमको पवित्र जरूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है, ये है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, बुद्धि रूपी बर्तन जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में ही टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन जो है बुद्धि ठिक्कर का बन गया है। बाबा समझाते हैं, अब तुम्हें वापस जाना है, पवित्र बन। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी उतना ही बुद्धि भी पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है हमको वापस लौटना है। आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज, फिर गोल्डन एज में आना है। ये पढ़ाई है ऐसी जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते, माया बड़े तूफान लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं तो बुद्धि फिर आयरन एजर बन जाती है और गिर पड़ते हैं। गिरना और चढ़ना ये तो है जरूर, चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वह गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ देंगे। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एज बन जाती है फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है? गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में तो 5000 वर्ष लगे। अब तो पढ़ना है, सो तो एक जन्म में ही जितना ऊंच पढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से। हर बात में बल होता है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने से जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। ये भी ऐसे है, कम पढ़ने से फिर पद भी कम मिलता है। बाबा ने समझाया, यह ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा सा है। तो ब्राह्मण ही देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम ऐसे समझो अजूर हम कॉपर एज तक पहुँचे हैं, माना फिर सिल्वर है, फिर गोल्डन है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है। पिछाड़ी भी बच्चे भी ढेर हो जाते हैं,
सारा मदार है पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाबा से प्रतिज्ञा की है, बाबा हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हो तो समझाना होता है, आज से 5000 वर्ष पहले पतित से पावन बनने के लिए हम यह राखी बांधने आए थे, तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते ही रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। एक दो दिन का हमारा रक्षाबंधन नहीं है, मरते दम तक है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो ज्ञान और योग से आयरन एज से हमें गोल्डन एज में आना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान होना है। ये बातें और कोई समझा न सके, इसलिए तुम्हारी 7 रोज की भट्टी मशहूर है। पहले नब्ज देखनी पड़ती है, जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है, जब तक तुम गोल्डन एज में ना आओ तब तक सृष्टि का विनाश भी हो नहीं सकता। वह समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमी उनके पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वो तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन होते हैं, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण है। इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा भी करनी है। बाबा भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र जरूर बनेंगे। औरों को भी बनाते रहेंगे। अभी सब रावण से हार खाए हुए हैं, भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चला है, ये तुमको समझाना पड़े। समझाने बिगैर राखी बांधना कोई भी काम का नहीं है। और आजकल तो लोगों को लगता है भाई इनको पैसा चाहिए, इसलिए राखी बांधवाने आते हैं। बाबा कहते हैं, यदि उनको महत्व ही नहीं है तो बांधने से क्या फ़ायदा है फिर? जिनको महत्व होगा राखी का, पवित्रता का, परमात्मा का, वो तो आएंगे जरूर, किसी भी हालत में राखी बंधवाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि समझाने के बगैर राखी बांधने से क्या फ़ायदा, ये कहानी तुम ही जानते हो। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा था, पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण का पद पाएंगे। ये सत्यनारायण की व अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो। समझाना पड़ता है, भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी तो पतित है, लोहे की चिड़िया कहेंगे। बाप का परिचय देकर बोलो कि मानते हो बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब मुझे याद करो। 84 जन्म पूरे होते हैं, माया से हार खाई है, अब फिर माया पर जीत पानी है। बाबा ही आकर कहते हैं, बच्चे अब पवित्र बनो। बच्चे कहते, जी बाबा हम आपके मददगार जरूर बनेंगे, पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। बोलो, हम कोई आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं। बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, हम तो बाबा का परिचय देने आए हैं। तुम सब बाप के हमजिंस हो ना। बाबा आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, बच्चों और सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम नंगे आए थे और शरीरी आए थे, पहले पहले तुमने स्वर्ग में पाठ बजाया, तुम गोरे अर्थात पवित्र थे, फिर कामचिता पर बैठे से काले बने। भारत गोल्डन एज था, अभी भारत को आयरन एज बनाया कहा जाता है। अभी फिर कामचिता से उतर ज्ञानचिता पर बैठना है। बाबा कहते, मामे कम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं। बीके बनेंगे तभी शिव बाबा से वर्षा पा सकेंगे। ये है पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया, एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है सतयुग में और एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता, ये बेहद की बात है। सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है और किसी का नहीं। शिव बाबा का ही, भगवान भोलेनाथ का ही काम है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेती हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं ताकि निकल न जाए कहीं। पावन बने बगैर फिर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल न सके। बाबा ही आकर लायक बनाए सर्टिफिकेट देते हैं। सर्व का पतित पावन सद गतिदाता एक ही बाप है। पतित लायक नहीं है ना,
राज्य करने के या राजद्रोह पाने के। तो भारत ही इंसॉल्वेंट दुखी हो पड़ा है क्योंकि पतित है, शत्रु में पावन थे तो भारत सुखी था। अब बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, ऑर्डिनेंस निकालो, जो पावन बनना चाहते हैं उनको नंगन नहीं किया जाए। मतलब भाइयों को भी आप समझाने दीजिए कि यदि माताएं पवित्र रहना चाहती हैं या भाई भी पवित्र रहना चाहते हैं तो फिर जबरदस्ती विकार के लिए ना करें। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती हैं। इस पर प्रोब बनाना चाहिए, परंतु वह ताकत अजूर बच्चों में नहीं आए हैं। जब गोल्डन एज में आएंगे तब फलक हो गया किसको समझाने की। बच्चों की दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बच्चों को बहुत अच्छी मिलती रहती है। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची चढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो कहते हैं वह बाप है तो यह माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए ब्रह्मा बाबा मेल है इसलिए माता अर्थात मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को कलश दिया जाता है। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई हैं, भाई बहन को और बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते। माताओं को ही आगे बढ़ाया जाता है क्योंकि माताओं को तो पीछे किया था, तो बाबा कहते हैं उनको आप आगे बढ़ाओ। वो लोग माताओं को क्या करते हैं, उठा रहे हैं। आगे थोड़ी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी, अभी तो बन रही है। और अभी तो प्राइम या प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू मैडम है, जो बाबा की पक्की बच्ची है, प्यारी बच्ची है। तो भगवान जैसे कि उनके द्वारा सेवा पूरे भारत की, वैसे तो विश्व की हो रही है लेकिन स्पेशली खास भारत की। आगे कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, क्योंकि राजा श्रेय जब मिल जाएगा, राजा को बात पसंद आएगी तो वो फैल जाएंगे, उसका फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी उसकी, तो राजा को बोलते थे। वह फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, कोई मानेंगे नहीं, कोई मानेंगे भी, मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल करती है, हमारी बात तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल बड़ी भूल कर दी है, हमारी बात को एक मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे, आगे चलकर तुम्हारे में भी ताकत आएंगी। आत्मा कहते हैं गोल्डन एज में जाना है, बुद्धि का तालाब खुला है, ज्ञान को अच्छी रीति समझ लेना है, आखिरी पिछाड़ी में सब समझेंगे जरूर, टाइम निकल जाएगा। फिर अबलाओं पर भी बहुत अत्याचार होते हैं, यह शास्त्रों में है, द्रौपदी के चिर उतारे थे तो उस समय याद करने के सिवा और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वह पाप नहीं लगता है, पर वश है ना। हाँ, बचने की तो जरूर कोशिश करनी है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं तो समझा जाता है कि वह वहाँ अच्छा पद पा लेगी। देखो सत्यु में उसका पद भी अच्छा होगा, कर ही क्या सकते हैं। पवित्र रहने की युक्ति बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, फिर गिर पड़ेंगे, घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है ना, ये सब गुप्त बातें हैं। यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं, भक्ति मार्ग के अथाह धंधे हैं। भक्त लोग भक्ति करते फिर कह देते हैं भगवान तो कण कण में है। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, जहाँ देखो वहाँ तू ही तू, सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहे हैं, अच्छा कण कण में क्या लीला करेंगे भाई, क्या लीला क्या करेंगे। बेहद के बाप की तो ग्रानी ही करती है, ये भी खेल है, तब तो बाबा को आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा का डायरेक्शन मिलता है, तुमको पवित्र जरूर बनना है अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर क्या पद पाएंगे, वो कोई पुरुषार्थ तो नहीं है ना। कई माताएं कहती है ना भाई वहाँ जाने के लिए मेरे स्वर्ग में बहुत हो गए, नहीं बाबा कहते हैं कि पद भी अच्छा पाना चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ करना है हमें, राजा रानी बनने के लिए। ड्रामा के रास को कोई समझते नहीं, अभी तुम जानते हो कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा आते हैं, चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं,
बड़े चित्रों के आगे ले आना है, तुम सब सर्जन हो, शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है, तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एजेंट नहीं बना है, तुमको सर्विस करनी है, समझाते समय हर एक की नब्ज देखनी है। महारथी जो है वह अच्छी नब्ज देखेंगे, तुमको पूरा गोल्डन एजेंट बनना है, अभी बने नहीं, बनने में टाइम लगता है, माया के तूफान बहुत तंग करते हैं, ये सब बातें समझ की होती है। बाबा से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है, अंदर कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे शिक्र दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं, पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजड बनाना है। सेकंड पॉइंट, और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीर बनने का अभ्यास करना है, योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। आज का वरदान है, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता है, जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है, इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो, दुलारी करने वाले के प्रति उसके प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। आज का स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। तो ऐसे स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भाई बहनों को ओम शांति। फिर से रक्षाबंधन की पदम 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 गुणा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। हैव अ नाइस डे।